ही वॉट्स एवरीबॉडी, मैं हूँ फरगान और आज मिला एक नया वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं एक नया चीज़ लाया हूँ आप लोगों के लिए, और ये है एक इंस्पायरिंग वीडियो, जिससे देख करके आप, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हद तक आप इंस्पायर हो जाएंगे इस वीडियो को देख करके। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं एक इंसान की स्टोरी बताने वाला हूँ, और उस इंसान को हो सकता है आप लोग नहीं जानते होंगे या फिर हो सकता है आप लोग जानते होंगे, बट वो इंसान एक बहुत ही फेमस शख्स के भाई है। तो यार भुवन बाम को तो आप सभी लोग जानते होंगे, बट आप उसके भाई को नहीं जानते होंगे जिसका नाम है अमन बाम। तो ये जो अमन भाई की स्टोरी है, ये खुद भुवन बाम ने पोस्ट किया था एक फेसबुक के पेज पे, जिसका नाम है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे। आज अमन बाम एक छोटे मोटे पायलट है, बट आज वो जिस भी मुकाम पे है, वो बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अप्स एंड डाउन्स हुआ था उनके लाइफ में, बट फिर भी वो अपने स्ट्रगल से लड़ते रहे और अपने सपनों के पीछे भागते रहे। उनका बस एक ही सपना था कि वो पायलट बनना चाहते थे, और उनका ये सपना और उनका हर एक लाइफ का स्ट्रगल भुवन बाम ने खुद पोस्ट किया था, और वही आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेरा बड़ा भाई अमन मेरी प्रेरणा है। वो शुरुआत से ही एक अच्छा भाई, एक अच्छा बेटा और एक अच्छा स्टूडेंट था। उसका बचपन से ही एक सपना था कि उसे बड़े होकर पायलट बनना था, और हम लोग भी उसे आसमान में उड़ता हुआ देखना चाहते थे। इस तरह वो फिलीपींस पहुंचा और वहां से उसने पायलट बनने की ट्रेनिंग ली, और फिर उसने वापस इंडिया आया। लौटने के ठीक दूसरे दिन से ही वो नौकरी के तलाश में जुड़ गया, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया हुआ था, और जब वो आधी रात तक घर वापस पहुंचा नहीं, तो मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। और कुछ ही टाइम बाद घर के बाहर एक कार आई, और उसमें मेरा भाई खून से लथपथ हुआ पड़ा हुआ था। उसका एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग उससे तुरंत हॉस्पिटल लेके चले गए, और किसी तरह से हम लोग उसका जान बचा पाए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब उनके घुटने ठीक होने में काफ़ी टाइम लग सकते हैं। मेरा भाई अब उदास रहने लगा था, और उनके साथी जो उनके साथ ट्रेनिंग में गए थे, उन्हें पायलट का जॉब मिल भी गया था। अपनी लाचारी के वजह से वो डिप्रेशन में जाने लगा, और उसने शराब भी पीनी शुरू कर दी। इस बीच मैंने अपने भाई के दर्द को बहुत करीब से महसूस किया, और अब तक मैं YouTube में बहुत चल चुका था। हमारे घर में जो भी आते वो यही कहते कि छोटा तो कामयाब हो गया, पर ना जाने इस अमन का क्या होगा। लोगों की कमेंट्स उसे फेलियर जैसे महसूस कराने लगी थी, और न जाने क्यों लोग उसे मुझसे कंपेयर करते थे, और न जाने क्यों लोग एक ही चश्मे से सबको देखने की कोशिश करते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो अचानक अपने पैरों पे खड़े हो गए और अपनी सारी कागजात इकट्ठा कर लिए, और वो निकल पड़े अपने सपनों के पीछे। उन्होंने बहुत सारे जॉब्स में अपना अप्लाई मारा। इस बार उनकी किस्मत ने भी साथ दिया और उनका सिलेक्शन हो गया। मेरा भाई 2 महीने के ट्रेनिंग के लिए फिर से गया, और इस बार वो पायलट बन के ही लौटा, और फिर हमने पिज्जा की पार्टी की, और इस दिन को मैं कभी भूल नहीं पाया हूँ। मुझे अपने भाई पर हमेशा से ही गर्व था, मगर जिस दिन वो पायलट बन गया, उस दिन मेरी नजरों में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। और मैं सिर्फ यही कहता, भाई ने इज्जत बढ़ा दी वैंचो। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई हो, उसे फिर से समेटना और एक नया मुकाम हासिल करना, ये कोई सुपरमैन ही कर सकता है। इसीलिए वो मेरा सुपरमैन है, और अब वो उड़ भी सकता है। तो यार यही था अमन भाई की स्टोरी, जो कि मैं भुवन बाम के ही वर्ड्स में आप लोगों के सामने लाया हूँ। बस यार वीडियो के एंडिंग में मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, लाइफ में कोई सा भी चीज़ आसान नहीं होता है, और ना ही कोई सा भी चीज़ होता है मुश्किल। बस जिसे लगता है कि वो कर सकते हैं उसके लिए आसान होता है, और जिसे लगता है वो नहीं कर सकते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। तो यार यही था आज का ये वीडियो, और यार मुझे लगता है थोड़ा बहुत इंस्पायर तो हुए होंगे आप लोग इस वीडियो को देख करके। तो यार अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन इनेबल कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। थोड़ा बहुत इंस्पायर तो यार अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग कर ही दो। तो यार मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।